नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। हाल फिलहाल देश दुनिया में कई सारी घटनाएं घटित हो रही है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। इसी बीच में रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन को भी मान्यता दे दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ ही सिनेमा हॉल भी खुल चुके हैं और उससे जुड़ी गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा, एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने अपनी इन्वेस्टमेंट और संपत्ति को लेकर दी बड़ी जानकारी। जानिए कहां लगाते हैं वो अपना पैसा। 7 महीने बाद कल से खुल गए सिनेमा हॉल। मूवी देखने के लिए मान्य होंगे ये नियम। रूस ने शुरुआती ट्रायल के बाद दूसरी कोरोना वैक्सीन ईपीवैक्सकोरोना को दी मंजूरी। त्योहारी सीजन में ट्रेन से यात्रा करने वाले सावधान, नहीं माने ये नियम तो जा सकते हैं जेल। ये चलता फिरता एटीएम क्या है? क्या आप घर बैठे निकाल सकते हैं बैंक से पैसे, दूसरे खाते में भेज भी सकते हैं? आधार को जनधन खाते से तुरंत कराए लिंक, जीरो बैलेंस पर भी निकाल पाएंगे 5,000 तक रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उसी मेहनत, प्यार और सबर के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने विचार इसे लेकर हमसे साझा कीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए ज्यादा वक्त खराब नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, खबरों को जान लेते हैं एक एक करके। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया। कोरोना से अब तक 73,07,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 67,708 नए मामले मिले। बुधवार को 680 लोगों की जान गई और 76,000 मरीज रिकवर हुए। संक्रमण के चलते 111,266 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात तो ये है कि अब तक 63,83,442 लोग ठीक हुए, जबकि 8,12,390 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के बीच अनलॉक 5 के तहत दी गई कई रियायतें आज से लागू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मल्टीप्लेक्स आज से खुल रहे हैं। गुरुवार से उसके 487 स्क्रीन पर फिल्में देखनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा से खोलने की अनुमति दी। सिनेमा घर के अंदर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखने से पहले जान लीजिए नियम। सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर जा पाएंगे। सिनेमा हॉल में एंट्री करने वालों को हमेशा मास्क पहनना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सिनेमा हॉल के अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है। एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आप काउंटर पर जाकर टिकट नहीं ले पाएंगे। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट और लॉबी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई होगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हाल में पीएम मोदी ने अपनी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी। संपत्ति और देनदारियों को लेकर पीएम मोदी की तरफ से ताजा घोषणा की गई। उसके अनुसार पिछले 15 दिनों में मोदी के मूवेबल असेट में करीब 37 लाख का इजाफा हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा यहां इन्वेस्ट किया। पीएम मोदी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोदी टर्म डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में उनकी कुल चल संपत्ति 1,39,10,260 रुपए थी। अब ये 26% बढ़कर 1,75,63,618 हो गई। मोदी का ये फाइनेंशियल स्टेटस 30 जून 2020 तक का है। इसका खुलासा 12 अक्टूबर को किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में अक्टूबर के मध्य से शुरू होने वाली कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगभग 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण 15 अक्टूबर से SGPGI और BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर समेत देश के कुछ अन्य स्थानों पर शुरू होने वाला था। SGPGI के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमान ने बुधवार को बताया कि कोवैक्सीन के चरण 2 के ट्रायल के परिणामों का मूल्यांकन अभी भी भारत की ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अब अगले चरण के ट्रायल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए रूस से अच्छी खबर आ रही है। बता दें कि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस संक्रमण की एक और वैक्सीन बना ली है। कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रहे इजाफे के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन EpiVac कोरोना को रजिस्टर करा लिया है और सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी भी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि स्पुतनिक वी के बाद रूस ने शुरुआती ट्रायल के बाद COVID-19 की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अब पहली और दूसरी वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। खबरें अभी काफी ज्यादा बाकी हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी जरूरी है। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम क्या चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा होने की वजह से तेलंगाना और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश एक दो दिन तक नहीं रुकने वाली। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी हैदराबाद समेत कुछ स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की। उत्तर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। बुधवार को बारिश की वजह से हैदराबाद शहर जहां थम गया है, वहीं मुंबई में और पुणे में आज पानी पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड और यूपी में बारिश की संभावना है, क्योंकि सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है। इसके बाद कुछ दिनों में ठंड दस्तक देगी। मुंबई में आज दिन भर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए और डीजल 76.86 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 82.59, डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने अक्टूबर महीने में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए 196 जोड़ी यानी कि 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि को लेकर नियम भी सख्त कर दिए गए। रेल सुरक्षा बल RPF के अनुसार अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना या फिर जेल जाने की सजा मिल सकती है। RPF ने बुधवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, मास्क नहीं पहनने, COVID-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि होने पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक कि कैद की भी सजा हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बैंक संबंधी काम करने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब इसी समस्या के समाधान के लिए NPCI आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS लेकर आया है। बैंक द्वारा संचालित ये एक ऐसा मॉडल है जो आधार कार्ड के जरिए किसी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से माइक्रो ATM पर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति देता है। इसमें वित्तीय लेन देन EKYC, जनसंख्यिकी प्रमाणीकरण, ग्राहक प्रमाणीकरण के लिए UIDAI डेटाबेस में बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग बिना किसी परेशानी के देश के किसी भी कोने में बैंकिंग लेन देन की आसानी शामिल है। इसके लिए आपको बैंक के व्यापार संवाददाता के पास जाना होगा और आधार संख्या, लेन देन का प्रकार, बैंक का नाम और राशि बतानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। गरीबों की मदद के मकसद से सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना चला रही है। इसके जरिए जरूरतमंद जीरो बैलेंस पर भी खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट का विकल्प भी शामिल है। इसके जरिए जरूरत पड़ने पर अकाउंट से जीरो बैलेंस होने पर भी 5,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत जरूरी है। जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए PMJDY के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए PMJDY अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे। इसके अलावा वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और साथ ही साथ खबरों के बारे में अपने विचार भी हमसे साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, साथ ही साथ इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।